नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है जिसको लोकसभा सेमीफाइनल के तौर पर गिना जा रहा है। इस चुनाव में छिबरामऊ नगर पालिका की सीट से बीजेपी की ओर से मनोज दुबे को प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें कि राजीव दुबे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे और आज वह चुनाव में नामांकन करेंगे। इससे पहले 2017 में राजीव दुबे ने 5,000 वोटों से जीत हासिल की थी। ये राजीव दुबे ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। मैं राजीव दुबे पिछली बार 2017 में जो चुनाव लड़ा था उसमें 5,000 वोटों से लगभग जीता था, जो कि अपने यहाँ की छिबरामऊ नगर पालिका के इतिहास में लगभग 42 वर्षों के अंतराल में इतनी बड़ी जीत से कभी कोई भी प्रत्याशी नहीं जीता, किसी पार्टी से या किसी दल से नहीं जीता। मैं पिछली बार जीता था, दूसरे प्रत्याशी को लगभग उतने वोट भी नहीं मिले थे जितने से हमारी जीत हुई थी। 30,000 समथिंग वोट पड़ा था, उसमें से लगभग 5,000 की जीत होना बहुत बड़ी बात थी। और एक चीज़ और, आसपास के जनपदों में हमारी सिर्फ एक अकेली इकलौती जीत सीट जीती थी नगर पालिका में, और इसके अलावा कोई नहीं जीती थी। लेकिन उसके बावजूद हमारी सीट को काट देना हमें समझ में नहीं आया, और उसका कोई कारण भी समझ में नहीं आया। खैर, इसके अलावा मैं एक थोड़ी सी कहना चाहता हूँ अपनी सभी समर्थकों से, अपने लोग जो हमारे शुभचिंतक जो हैं उनको, उनसे कहना चाहता हूँ कि आप सभी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आज किसी कारणवश या किसी वजह से, किसी के खड़यंत्र बस कुछ भी हमारी टिकट काटी गई है, तो उसके लिए आप लोग निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर दोबारा चुनाव लड़ूंगा, लड़ रहा हूं, और एक बात साफ कर देता हूं आप सब लोगों से भी, एक और निवेदन भी करूंगा कि आप लोगों को किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी से झगड़ने की आवश्यकता नहीं है, वरना कोई उत्पात करने की आवश्यकता है। शांतिपूर्वक माहौल बनाए रखें और अपने चुनाव को लड़ें, हमारा साथ दें, हमें आशीर्वाद दें, हमें प्यार दें। और एक बात और, जैसे हम पहले साथ थे, आज हैं और आगे भी रहेंगे। चुनाव हम फिर दोबारा लड़ेंगे, और वो बात दूसरी है, सिंबल नहीं सही, हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपके बीच रहेंगे। ज़्यादा कुछ न कहते हुए आप सभी से प्रेम और आशीर्वाद की आकांक्षा फिर दोबारा रखता हूँ। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।